दोस्तों बीस एक्सरसाइज प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैथ की सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक एवं करणी। तो दोस्तों आज से हम घातांक एवं करणी को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने भिन्न और लासा मासा और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के टॉपिक को कवर किया है। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं, लासा मासा पढ़ सकते हैं और भिन्न पढ़ सकते हैं। सबको मैंने जीरो लेवल से हाई लेवल तक किया है, ठीक है दोस्तों। तो दो दो तीन तीन चार चार वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज से हम शुरू करते हैं घातांक एवं करणी। यह एक ऐसा टॉपिक है बेशक यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाए, ठीक है। सपोज करिए वर्ड कैलकुलेशन करने में यह हमारा इतना हेल्पफुल रहता है कि यह आप इसे करने के बाद ही आपको पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस तरीके के टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमें छोड़ना नहीं है, जो हमने जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ चलाने का पढ़ने का फैसला किया है तो हम उसी की तरह पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसे मैथ से डर लगता हो, जिसने मैथ कभी किया ना हो, तो बी सक्सेस प्लस के साथ आकर जुड़े, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करनी हो टॉपिक से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम घातांक एवं करणी, ठीक है। तो घातांक और करणी के बारे में बताइए कौन कौन जानता है, जानते तो होंगे ना। घातांक क्या होता है? तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि a की पावर n लिखा हुआ है, पावर होती है ना, पावर ही तो बोलते हैं इसको, घात है ना, घात क्या बोलते हैं, घात। और इसे क्या बोलते हैं, आधार, बेस है ना, बोलते हैं ना। तो दोस्तों इस फॉर्म में a की पावर n की फॉर्म में इसका मतलब होता है कि जो a का मल्टीप्लाई है वो n टाइम्स तक है, ठीक है, n टाइम्स तक है। अब यहाँ पर हमारा a की पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जब a की पावर 2 होगा तो हम लिखेंगे इसको 2 टाइम a मल्टीपल a, ठीक है, दो बार लिखेंगे a को। अगर वह यहीं पर होगा 3 तो हम 3 बार लिखेंगे, यहीं 30 होगा तो हम 30 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है ये, तो जो n होती है यहाँ पर, हियर देखिए तो a है हमारा क्या, आधार मतलब बेस, ठीक है, और n है घातांक पावर, n क्या है, घातांक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने लिखा a की पावर 8, ठीक है, तो a को हम 8 बार हम लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं हम कुछ घातांकों के नियम को, ठीक है। तो घातांकों के नियम देखते हैं, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यह हमारे लिए इतने आवश्यक हो जाते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम इनका यूज करते हैं और इनके बिना कैलकुलेशन नहीं होती है। जो भी स्टूडेंट हो जिनका अगर बेस कंप्लीट है तो यकीन मानिए उनकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती है कि वह अपना समय एग्जाम में औरों की अपेक्षा बचा लेते हैं, बहुत अधिक बचा लेते हैं। तो दोस्तों हमें बेसिक जो है हमें कंप्लीट करना है, जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हमारे इरादे भी बुलंद होंगे। और सुनाए ना डायलॉग, चलिए घातांकों के नियम तो देखते हैं हम। पहला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि p की पावर m मल्टीपल p की पावर n हो, ठीक है, यानी इस फॉर्म में हो, मल्टीपल हो रहा हो पावरों का और पावर हमारी डिफरेंट हो, या m है या n है, ठीक है, तो p की पावर हो जाती है m प्लस n। जैसे सुना होगा ना बचपन से कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, है ना, सुना है ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यह वही हमारा पहला नियम है। अगर हमारा बेस सेम है और पावर हमारी अलग अलग है, घातांक हमारे अलग अलग हैं, तो हमारा जो बेस होता है उसके साथ हमारी पावर जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, समझ में आना चाहिए दोस्तों। जब हम बेसिक से जीरो लेवल से जब पढ़ा रहे हैं तो जीरो लेवल से उस तरीके से मिलना चाहिए कि जो भी पॉइंट हो वह वहीं की वहीं कंप्लीट हो जाए और कवर हो जाए, समझ में आ जाए पूरा। मैं उसी तरीके से अपना कंटेंट तैयार करता हूं दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट
अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों बी सक्सेस प्लस को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे प्रेस करना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एग्जांपल है हमारा कि 3 की पावर 5 है गुणा 3 की पावर 7 है। तो अब यहाँ बताइए मैंने क्या बताया था, हमारा आधार सेम हो, जैसे कि जहाँ पी है यहाँ पी है, तो यहाँ भी हमारा 3 है और यहाँ भी हमारा 3 है, और पावर हमारी डिफरेंट हो, यहाँ एम है या एन है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारी 5 है या हमारी 7 है, तो है ना। तो फिर क्या करते हैं, जो हमारा बेस होता है एक ही बेस के साथ हम दोनों पावरों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमने दोनों पावर को ऐड किया, तो 3 की पावर कितनी होगी, 7 और 5 12, तो हमारा हो गया 3 की पावर 12, ठीक है ना, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा है कि अगर पी की पावर एम अपॉन पी की पावर एन हो, जब भाग में हो तो क्या होता है, तो हमारे माइनस हो जाती है पावर, आधार हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं, दोनों याद रखा करो, ठीक है। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घाते घट जाती हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 की पावर 7 है और 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो 2 की पावर 7 में से 2 की पावर 3 को हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बेस हमने ले लिया 2, हमारा बेस था 7 में से 3 को माइनस कर दिया, ठीक है। पर एक बात याद रखना, जो ऊपर वाली पावर होती है उसमें से हम नीचे वाली पावर को माइनस करते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट भी आप याद रखना। तो 2 की पावर 4 हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है, कि यदि पी की पावर एम है और उसकी भी पूरे की पावर एन है, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, पी की पावर एम है क्वेश्चन ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है एक हमारी एन, डिफरेंट पावर है, ठीक है, यहाँ एम है यहाँ एन है, तो क्या होता है, तो पावर के ऊपर अगर पावर हो तो उनका गुणा हो जाता है, पावर के ऊपर पावर का गुणा हो जाता है। एग्जांपल देखिए, जैसे 5 की पावर 2 है, ब्रैकेट लगा, पूरे की पावर 3 है, तो क्या होगा, तो 5 की पावर इन दोनों का पावर का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगी हमारी 3 × 5 की पावर 6, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नियम हमारा क्या कहता है, कि अगर पी क्यू, हमारी दो संख्याएं हैं पी क्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है दोनों, या पॉइंट होगा मल्टीप्लाई में, और दोनों की पावर एन है, तो उसका मतलब क्या होता है, दोनों की पावर हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, पी की पावर भी एन होगी और क्यू की पावर भी एन होगी। जैसे कि एग्जाम्पल यहां मैंने लिया है 3 × 5, दोनों की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ 3 की पावर भी 2 होगी और 5 की पावर भी 2 होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, समझ आ रहा है ना। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दोस्तों मुझे बताना, आपकी समझ ना आए तो मैं जितना होगा फिर मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि जब अब भी समझ में नहीं आएगा, मैं इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ, तो कब आएगा, ठीक है। मेरा पूरा एफर्ट रहता है, पूरा 100% मैं अपना देता हूँ, समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर आपको अब भी समझ नहीं आए तो फिर दिक्कत है, फिर 1 से 2 बार वीडियो देखना, ठीक है, समझ में ज़रूर आएगा। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा नियम हमारा क्या कहता है, तो पांचवा नियम है कि पी अपॉन क्यू, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, पी मल्टीप्लाई क्यू की पावर एन थी, यहाँ पी अपॉन क्यू की पावर एन है, तो यहाँ हमने क्या किया था, अलग अलग ही तो पावर कर दी थी, यहाँ भी अलग अलग कर देते हैं, यहाँ गुणा था तो यहाँ हमने ऐसे कर दिया था, पी की पावर एन क्यू की पावर एन, और यहाँ भाग है तो यहाँ पी की पावर एन और क्यू की पावर एन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है ना, आसान है या नहीं है। या मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई में अलग अलग कर दिया था, या डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड में अलग अलग कर दिया, बस सिंपल एग्जाम्पल है। 3/7 की पावर 5 है तो 3 की पावर हमने ऊपर अंश में अलग लिख दी और 7 की पावर 5 यहाँ पे हर में अलग लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, हाँ दोस्तों इस बात को आप याद रखना कि पी की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, चाहे हमारी 2 की पावर 0 हो इसका भी मान 1 होगा, 5 की पावर 0 हो उसका भी मान 1 होगा, 100 की पावर 0 हो तब भी उसका मान 1 होगा, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है दोस्तों याद रखना इस बात को। चलिए आगे देखते हैं, सातवां पॉइंट है हमारा कि पी की पावर माइनस एम है यानी पावर माइनस में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 1/ में हम नीचे ले जाएंगे तो हर में या प्लस की हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि
पाँच की पावर माइनस सात है, तो हम अगर इसको लिखेंगे तो ये प्लस में पावर हो जाएगी नीचे लाएंगे तो। यही नियम तो था वो जो भाग वाला था दोस्तों। कौन सा वाला देखो मैं बताता हूँ कि जो ए की पावर जैसे एक मिनट जैसे पी की पावर एन है एम है ना, और क्यू की पावर एन है, तो यहाँ क्या था हमने बताया था कि भाग में घातें घट जाती हैं, यही तो बताया था मैंने ऊपर p की पावर m माइनस n, यही बताया था ना। तो इसमें क्या था कि जो ये p की पावर m था, अब ये जो q की पावर n है हमें इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाओ या नीचे लेके आओ दोनों कंडीशन में पावर की पावर अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगी। तो हम इसको ऊपर ले गए q की पावर n को, तो ये ऊपर जाके क्या हो गई q की पावर माइनस n हो गई, क्या हो गई q की पावर माइनस n हो गई। तो अब ये पहला वाला नियम क्या था हमारा, जब एक मिनट यहाँ हाँ p की पावर m और p की पावर n है आधार सेम होनी चाहिए ना, हाँ इसके लिए मैंने बताया था ना p की पावर m माइनस n हो जाता है ठीक है। तो इसमें होता क्या है p की पावर n है, ऊपर ले जाएंगे p की पावर n को तो p की पावर माइनस n हो जाएगी। तो पहला नियम क्या था कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ क्या हो जाएंगी p और m और जोड़ेंगे तो प्लस, और ये कितना है माइनस n है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा p की पावर m माइनस n, ये ऐसे हो जाता है ठीक है। तो यही हमारा नियम जो बहुत जगह पर फॉलो होता है कि माइनस की पावर अगर नीचे हो, जैसे अगर ये ऐसे होता है अगर पाँच की पावर माइनस सात, तो अगर इसे ऊपर ले जाते हैं ना तो ये हमारा हो जाएगा पाँच की पावर सात प्लस में बस ठीक है। प्लस में तो नीचे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, पावर हमारी साइन चेंज हो जाती है, याद रखना इस बात को ठीक है दोस्तों। तो आपके घातांक तो समझ में आए होंगे, घातांक के नियम ठीक है। अब देखते हैं हम कर्णी, कर्णी क्या होती है दोस्तों, कर्णी तो कर्णी ऐसी होती है, देखा होगा ना अंडर रूट में संख्याएं है ना, अंडर रूट ये है 27 कितना मान होगा कि 3 होगा ठीक है, तो यही है ना। तो ये होता है हमारा क्या कर्णी, तो कर्णी हम किसे कहते हैं, ये जो साइन होता है हमारा इसे हम कर्णी चिन्ह कहते हैं ठीक है। तो अब जो हमारे इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं कि एन और ये हम इसे क्या बोलते हैं अंडर रूट पी ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पी का एनवा मूल, इसका मान होता है पी का एनवा मूल, पी का एनवा मूल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी की पावर वन अपॉन एन ठीक है, पी की पावर वन अपॉन एन कि जैसे कि देखा होगा कि जैसे ये लिखा हुआ है कि पी की पावर अगर यहाँ पे लिखा है हमारा कि दो लिखा है और बराबर है हमारा क्यू, तो अगर हम यहाँ से p बराबर लिखेंगे तो q की पावर कितना हो जाता है वन अपॉन टू ठीक है। अब इस वन अपॉन टू को लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है, दो हमारे यहाँ होता है ना। तो देखिए आगे आगे चलिए समझ में आएगा आपके। तो अब यहाँ पे क्या है p है हमारा कर्णीगत, कर्णीगत मतलब कर्णीगत संज्ञा, संख्या क्या है हमारा कर्णीगत संख्या है, और n है हमारा कर्णी घात, क्या है कर्णी घात। अभी यहाँ पर जो n आता है इसे बोलते हैं कर्णी घात, कर्णी की घात, जैसे कि हम यहाँ पर ये लिखते हैं अब ये है अंडर रूट पाँच, तो हम ज़्यादातर देखा होगा जो अंडर रूट हमारा ये दो होता है दो को हम नहीं लिखते हैं, दो के बाद जितने भी हमारी घातें आती है उनको हम लिखते हैं, तो ये होती है हमारी कर्णी घात। जैसे कि यहाँ पर यह अब यह कर्णी घात कितनी है तीन है ठीक है, अब यहाँ पर कर्णी घात कितनी है पाँच है। और दोस्तों कर्णी घात में गुणांक में कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे लिखा है और ऐसे ऐसे लिखा है तो ये हमारा गुणांक होता है, कर्णी घात लिखी जाती है वो यहाँ लिखी जाती है ठीक है दोस्तों। आगे आएंगे क्वेश्चन तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि तीन और ये अंडर रूट पाँच, तो ये यहाँ पर जो तीन है वो कर्णी घात है, पाँच वो क्या है कर्णीगत है, कर्णीगत मतलब कर्णीगत संख्या है यहाँ ठीक है, कर्णीगत संख्या जो अंडर रूट में होती है ठीक है। चलिए कर्णी के भी कुछ नियम है हमारे, तो कर्णी के नियम देखते हैं, रूल्स ऑफ सर्ट्स ठीक है। तो कर्णी के नियम क्या है कि जो हमारा पहला नियम है उसी तरीके से नियम है जैसे घातांक के नियम अभी हमने देखे थे, तो उसी तरीके से हमारे कर्णी के नियम है। तो पहला नियम है हमारा कि एन अंडर रूट पी पूरे की पावर है एन ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इस टाइप से अगर ऐसे लिखी है तो इसका मतलब होता क्या है, पी की पावर वन अपॉन एन, यही होता है ना पी की पावर वन अपॉन एन। तो हमने क्या किया,
इसको ब्रैकेट में पी की पावर 1/4 लिख लिया और पूरे की पावर एन हमारी है ही। अभी इससे पहले हमने घातांक के नियम देखे थे ना, घातांक के नियम क्या देखे थे कि अगर पी की पावर एम है और इसकी पावर भी एन हो पूरे की, तो क्या हो जाता है कि दोनों घातों के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो p की पावर m n हो जाती है ना। तो वही नियम हमारा घातांक वाला यहाँ लगा देंगे, है ना। तो p की पावर m की पावर n वही वाला, तो p की पावर दोनों घातों का घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो गुणा किया तो n से n कट गई, हमारा आ गया p। समझ में आया ना, एग्जाम्पल देखिए, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल है कि अंडर रूट 5 है, 2 हमारी करड़ी घात है, पूरे की पावर 3 है, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया 5 की पावर 1/2। अरे 2 करड़ी घात है तभी तो 1/2 लिखा है, अगर ये ऐसे होता तो हम इसे कैसे लिखते हैं 5 की पावर 1/3, ठीक है। अगर यह 7 होता, करड़ी घात 7 होती, करड़ी घात यहाँ पर 7 होती, तो इसको कैसे लिखते हैं 5 की पावर 1/7, ये जो होती है यही हमारा नीचे आता है, ठीक है, सही है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। तो 5 की पावर 1/2 हमने इसको कर लिया, 3 हमारी पावर है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 3 का मल्टीप्लाई, तो 3/2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है दोस्तों, मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों, अपनी ओर से जितनी मेहनत मुझसे होती है मैं अपना 100% हमेशा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैथ्स की ट्रिक की एक हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसमें स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर क्यूब रूट, क्यूब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक में लेकर आया हूँ, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर जाकर विजिट करें, प्ले लिस्ट को देखें, ठीक है दोस्तों। साइंस की ट्रिक की एक सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है, साइंस के डोज की सीरीज चल रही है, इन्वायरमेंट को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप चैनल पर विजिट करिए। चलिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक को दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, कुछ भी देखना हो आपको, कोई भी प्लेलिस्ट देखनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा हम करंडी का नियम देखते हैं, तो दूसरा नियम है दोस्तों हमारा कि हमारी एन घात है जैसे अंडर रूट में, और पी और क्यू दो संख्याएँ हैं हमारी, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, कि जैसे कि ये जो हमारा ये 3 है यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ है हमारा 3/5 पूरे में, ठीक है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया है, 3 करड़ी घात है हमारी, और 3/5 दो संख्या, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अरे वही नहीं, हमें अभी जो घातांक में बताया था, घातांक में क्या बताया था बताइए, याद है कि जैसे P और Q दो संख्या हैं, उनकी पावर हमारी n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P की पावर n और Q की पावर n गुणा में, भाग में वो तो भाग में लिख लेते हैं, ठीक है, वही यहाँ है, सेम, यहाँ पर हमारी करड़ी की घात है या हमारी ये घातांक होती है, ठीक है। और देखिए अगला भी नियम वही है, उसी से संबंधित, जैसा कि हमने घातांक में पढ़ा था, तो यहाँ पर पी अपॉन क्यू है, तो हम इनको भी दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, अगर पूरे पे हमारा अंडर रूट है, घातांक हमारा एन है, तो दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे 2 घातांक की घात है हमारी करड़ी की, 3/7 हमारी फ्रैक्शन है, तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया, ठीक है, आसान है ना। चलिए आगे नियम देखते हैं, कि आगे नियम हमारा ये है कि अंडर रूट में यह हमारा पी है, एन हमारी ये घात दी है यहाँ पे, और पूरे की पावर दी है यहाँ पे एम, तो बस वही सिंपल सा नियम है दोस्तों, हमने ब्रैकेट में क्या किया, पी की पावर 1/n लिख लिया, अब घात के ऊपर घात क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है तो गुणा कर दिया 1/n का m में, तो m/n हो गया ना। तो यह एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर 3 हमारी करड़े की घात है, तो ये घन में लिखा हमने 5 है, अब इसको 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, पूरे की पावर दी है हमारी 5, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 1/3/5, तो 5/3 हो गया, ठीक है। चलिए अगला नियम क्या कहता है, तो अगला नियम है हमारा कि अगर इस तरीके से इस फॉर्म में हो, अगर हमारा संख्या कोई कहीं पर कि p की पावर m, अंदर हमारी पावर में एक संख्या दी है, ठीक है, और अंडर रूट में यहां पर हमारी n करड़ी की घात है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है कि जैसे कि ब्रैकेट में हमने देखा p की पावर m, यहाँ पर हमारी पूरी संख्या क्या है, p की पावर m, अब इस पूरी संख्या के ऊपर हम जब पावर लगाएंगे तो 1/n आएगा,
देखिए मैं यहाँ बताता हूँ कि जैसे अब ये है, ठीक है, यहाँ दो है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, पी की पावर एक बट्टे दो लिखते गए ना, ठीक है, लिखते हैं ऐसे ही। अगर यहाँ जो पी है हमारी, यहाँ पी की पावर अगर हम दो कर दें, सपोज करिए पी की पावर दो कर दें और ये हमारा यहाँ पर दो है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पी की पावर दो हमारी पूरी संख्या हम इसे ही मानेंगे जैसे हमने यहाँ पी माना था, तो इस पूरे के ऊपर लिखेंगे अब एक बट्टे दो। आ गया ना समझ में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ कि दो है तीन की पावर पाँच है, तो तीन की पावर पाँच हमारे लिए अब पूरी संख्या है, अब पूरी संख्या के ऊपर लगाएंगे हम एक बट्टे दो, तो यहाँ से पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दिया पाँच बट्टे दो, अच्छा है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप बस बी सक्सेस प्लस के साथ आप जुड़े रहिए, मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो आगे आने वाले, जैसे अनुपात समानुपात चाल दूरी समय समयकार कोई भी हो, मैं इसी तरीके से डिटेल में बेसिक से आपको कराने वाला हूँ, और जितने भी टॉपिक में कराऊंगा सब आपकी समझ आने वाले हैं, बशर्ते आप मेहनत करिए, देखते रहिए, ठीक है दोस्तों, और जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए करणियों के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ शर्ट्स, करणियों के प्रकार, तो करणी हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक होती है सजाती करणी, एक मिनट दोस्तों, सजाती करणी, ठीक है, और एक होती है विजाती करणी, एक होती है सजाती करणी, एक होती है विजाती करणी। तो जो सजाती करणी होती है लाइक शर्ट, वो क्या होती है, क्या अंतर क्या होता है दोनों में, सजाती विजाती में, तो अंतर यह होता है कि करणी की घात, देखिए एग्जाम्पल से बताता हूं, करणी की घात, जैसे कि यहां हमारी जो करणी की घात है एक्स, और करणीगत संख्या दोनों समान होती हैं, दोनों समान होती हैं, दोनों समान होती हैं, जैसे यहां पे अब एक्स और पी है, ठीक है, और अगली संख्या भी होगी तो वो एक्स और पी होगी, तो इस तरीके से दोनों समान होंगी, उन्हें बोलते हैं सजाती। अरे सजाती का मतलब हो गया समान, ठीक है, सजाती का मतलब समान। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे अंडर रूट एक्स, अब थ्री अंडर रूट एक्स, फाइव अंडर रूट एक्स, अब यहीं यह मैं बता रहा था कि ये जो लिखा हुआ है ना थ्री अंडर रूट एक्स, ये इस करणी की घात नहीं है, यहाँ पे, यहाँ ये गुणांक में है, ये पाँच अंडर रूट एक्स है तो ये गुणांक है, जैसे कि यहाँ देखिए हियर, अब यहाँ जो दो है वो करणी की घात है, अक्सर आपने देखा होगा कि अंडर रूट जैसे हम लिखते हैं पाँच, तो यहाँ हम दो लगाते नहीं है, दो के बाद जितनी भी करणी की घात आती है उन्हें हम लगाते हैं, तीन पाँच सात नौ दस ग्यारह, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर करणी की घात कितनी है हमारी एग्जाम्पल में दो है, ठीक है, और जो करणीगत संख्या वो एक्स है, एक्स है, तो यही तो कहा गया था कि करणी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान होनी चाहिए, तो यहाँ पर समान है, प्रत्येक जगह पे करणी की घात दो 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 है, ठीक है, गुणांक की बात नहीं कर रहा मैं, गुणांक तो अलग है, बात हो रही है करणीगत संख्या और करणी की घात की, और करणीगत संख्या हमारी एक्स 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 है, ठीक है, तो और यहाँ पर जो गुणांक है, तो यहाँ पर हमारा तीन गुणांक है, यहाँ पाँच है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ तो एक तो होगा, तो एक तीन पाँच हमारे गुणांक हैं, ठीक है दोस्तों। जब क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आगे, जब टाइप कराऊंगा क्वेश्चनों के अगली वीडियो में, तो जुड़े रहिए बस। चलिए आगे देखते हैं, विजातीय करणी क्या होती है, तो विजातीय इसके जस्ट अपोजिट, कि करणी की घातें और करणी का संख्याएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारी करणी की घात तीन है, यहाँ करणी की घात दो है, यहाँ करणी की घात सात है, और संख्याओं की बात करें तो यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई जेड है, एक्स है, ठीक है, तो बस वही बात है, जो अलग अलग हों संख्याएं भी और घातें भी, तो वह विजाती होती हैं, और जहाँ पर संख्याएं और जो करणी की घात समान हो वह सजाती होती हैं। एग्जांपल में जैसे हमने यहाँ पे ये हमने देखा, तो यहाँ तीन दो सात जो करणी की घातें हैं, और एक्स वाई जेड और एक्स जो है हमारी करणी की संख्याएँ हैं, और गुणांक तीनों जगह पर एक 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 ही हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज घातांक और करणी का जो बेस जो हमने कंप्लीट किया, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम घातांक और करणी से संबंधित क्वेश्चंस के टाइप को कराने वाले हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।